हैट्रिक लेने के बाद श्रेयस गोपाल ने विराट एवी के बारे में कही बड़ी बात, जानकर होगी हैरानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आईपीएल 2019 का 49वां मैच आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को वर्षा की वजह से मैच को 5-5 ओवरों का कर दिया गया था, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर की टीम ने निर्धारित 5 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 62 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ने 3.2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी। तभी अचानक एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद इस मैच का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि इस मैच में राजस्थान की तरफ से 1 ओवर करने वाले श्रेयस गोपाल ने अपने आईपीएल करियर का पहला हैट्रिक लिया। अपने हैट्रिक में गोपाल ने विराट कोहली, एवी डिविलियर्स और मार्कस स्टोइनिस का विकेट लिया। मैच के समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, आइए जानते हैं। विराट कोहली और एवी डिविलियर्स के बारे में बात करते हुए गोपाल ने कहा, यदि मैं ईमानदारी से कहूँ तो जब वो दोनों खिलाड़ी जब मेरे सामने होते हैं तो मुझे अंदर से काफी नर्वस फील होती है, परंतु मैच के बाद उनका विकेट लेकर काफी अच्छा महसूस होता है। इसके आगे गोपाल ने कहा कि मेरे लिए हैट्रिक लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है यदि हम लोग मैच में 2 अंक हासिल कर लेते, क्योंकि अब ये हमें मालूम नहीं है कि अंक तालिका किस तरफ जाएगी। हालांकि मैं उन विकेटों को लेकर भी काफी खुश हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।